नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। वहीं शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर दिल्ली सरकार ने सोमवार को 23,256 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए करीब 11.6 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया और दिल्ली सरकार इन मजदूरों के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रही है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस अनुदान को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सर्दियों के दौरान लगाए गए निर्माण प्रतिबंध के कारण काम के नुकसान के लिए 5,000 का अनुदान देना शुरू कर दिया। वहीं केजरीवाल सरकार दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण पिछले साल नवंबर में दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया था, इसलिए मजदूरों को इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने और वहीं निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार प्रत्येक निर्माण श्रमिक को 5,000 रुपये का अनुदान दे रही। हालांकि दिल्ली सरकार ने राशि पिछले साल नवंबर में ही आवंटित कर दी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ निर्माण श्रमिकों के खाते में राशि नहीं पहुँची थी। वहीं देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस खुलने जाने लगे थे और वहीं दिल्ली में तो मास्क पहनने पर भी अब कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और ऐसे में जैसे ही स्कूल खुले, वैसे ही दिल्ली NCR के स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले भी अब सामने आने लगे और 11 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर 40 के खेतान पब्लिक स्कूल में एक साथ कोरोना के 16 मामले सामने आए, जिसमें से 13 बच्चे और 3 टीचर संक्रमित पाए गए। और इतने सारे मामलों को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया और अब स्कूल ऑनलाइन मोड पर चलाया जाएगा। और वही बात सिर्फ नोएडा की ही नहीं बल्कि गाजियाबाद की भी कर लें तो वहाँ भी 2 स्कूलों में पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्कूल बंद किए जा चुके हैं। और इस बीच देश में कोरोना नए वेरिएंट XE ने भी अपना कदम रख दिया है। और वहीं अगर बात बच्चों की करें तो देश में 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण अभी भी शुरू हो गया है। वहीं इससे पहले 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब 12 से 15 साल के बच्चों को भी COVID-19 का टीका लगाना शुरू हो गया है। अब वहीं राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल प्रस्तावित है और इस बीच राजनीतिक पार्टियां ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि इनके बेटे की हार के बाद से वो मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान बैठे, लेकिन मुझे उनसे एक सहानुभूति है। और जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अशोक गहलोत मुझे उकसाने के लिए ना केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते बल्कि खुद भी बेवजह के बयान देते रहते। और वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने तो उन्हें चुनौती दी है और वो मोदी जी पर लगाए अपने निहायत मनगढ़ंत आरोप साबित करके बताए, लेकिन वो सबूत देने के बजाय मुख्य मुद्दे को बहस में उलझाना चाहते हैं। और शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत की तरह उनकी राजनीति का तरीका अप्रासंगिक हो चुका है और उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और उनकी पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके और इसी बीच 6 अप्रैल को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के मंडी में एक बड़ा रोड शो कर पार्टी की चुनावी तैयारियों की शुरुआत भी कर चुके, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़ BJP में शामिल हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सबसे पहले पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने पार्टी छोड़ BJP ज्वाइन की थी, तो वहीं इसके बाद अब हिमाचल में पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष ममता ठाकुर भी कुछ और नेताओं के साथ BJP में शामिल हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार पार्टी नेताओं का इस तरह BJP में शामिल होना आपकी मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन आप नेताओं की माने तो ये लोग वो हैं जिन्हें पार्टी पहले ही निकालने का मन बना चुकी थी। और इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक से बोले कि जब से मंडी में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो हुआ, तब से BJP के नेता रात दिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को ढूंढने में लगे कि कोई भी मिल जाए जिसे वो पार्टी में ज्वाइन करवा दे। वहीं दुर्गेश पाठक ने कहा कि दरअसल BJP के नेता डर गए हैं क्योंकि लड़ाई BJP बनाम आम आदमी पार्टी हो गई है
और वहीं कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, और वहीं बीजेपी को अब डर लगने लगा है कि सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता ने अब बदलाव लाने का मन बना लिया है। और वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में रामनवमी के दिन हुई सांप्रदायिक घटना को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया, और वहीं ट्वीट में एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराते दिख रहे कुछ हिंदू संगठन के लोग वाली तस्वीर पोस्ट की गई थी, और वहीं साथ ही लिखा था कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है। और वहीं दिग्विजय सिंह ने खरगोन प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया था कि क्या प्रशासन ने हत्यालय का जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। और वहीं आपको बता दें कि इस ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह अब घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस ट्वीट में जो मस्जिद वाली तस्वीर है वो मुजफ्फरपुर बिहार की है, जिसे दिग्विजय सिंह ने खरगोन का बता दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह की तरफ से उस ट्वीट को अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया गया, लेकिन ट्वीट को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दिग्विजय सिंह के भ्रमण फैलाने को लेकर विरोध जता चुके। और वहीं इस कड़ी में अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान पकड़ लिया और अपने ट्विटर हैंडल के जरिए तंज कसते हुए कहा कि कभी ओसामा को जी कहने वाले और जाकिर नायक को शांति दूत कहने वाला, बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता के चाचा जान दिग्विजय सिंह द्वारा दूसरे राज्य का फोटो मध्य प्रदेश का बताकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की, क्या ये बचकानी हरकत नहीं है? वहीं पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया, और बिजली फ्री करने के वादे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई, और ये मीटिंग पंजाब के सीएम भगवत मान की गैर मौजूदगी में हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर भगवत मान पर सवाल खड़े किए, और कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से सरकार चलाने के लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया है। और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस राज्य के अधिकार का हनन बताया। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवत मान को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने पंजाब के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। और वहीं प्रताप सिंह बाजवा ने आगे कहा कि ये मीटिंग पंजाब के सीएम और मंत्रियों की गैर मौजूदगी में हुई और ये राज्य के अधिकारों का हनन है। वहीं पंजाब के लोगों ने दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजन ने कहा कि पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी क्या अरविंद केजरीवाल साहब के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिर्फ नाम मात्र के मुखिया हैं और इसे कहते हैं रीबुक दिखाकर रीबुक पकड़ना। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद एनएसयूआई नेता से मुलाकात का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और वहीं जेल अधीक्षक द्वारा अपने चैम्बर में उनकी मुलाकात कराने की फोटो वायरल होते ही सरकार ने इसे गंभीरता से ले लिया, और सरकार ने ग्वालियर सेंट्रल जेल के अधीक्षक मनोज कुमार साहू को निलंबित भी कर दिया, और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर नियम कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जेल अधीक्षक के निलंबन की जानकारी दी। और घटना के मद्देनजर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा, और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा, और वहीं उन्होंने ट्वीट किया कि जेल के अंदर की तस्वीर वायरल करना बताता है कि कानूनी नियम प्रक्रियाओं के प्रति उनकी क्या धारणा है। और इस मामले में ग्वालियर जेल के सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार साहू को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित करने का निर्णय भी लिया गया। और वहीं खरगोन हिंसा की घटना का जिक्र करते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस का असली चेहरा उजागर होता है। वहीं अक्सर कुछ महिलाएं उनके कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आती, और इसी कारण इन महिलाओं के खिलाफ कोर्ट को भी सख्त फैसले लेने पड़ते,
और ऐसे ही एक मामले में एक महिला द्वारा दूसरी शादी के एक साल बाद पति से अलग होते हुए अपने और पहले पति से हुए बच्चे के भरण पोषण के लिए करीब 9 लाख रुपए महीना देने की डिमांड की गई थी और इस मांग के तहत महिला ने 8 लाख रुपए प्रति महीने खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए 1 लाख प्रति महीने की मांग की थी। दरअसल जिला कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने 25,000 रुपये प्रति महीने की राशि मंजूर की और इस पर महिला ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से अपील की। और वहीं जब इंदौर खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस विवेक रूसिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी लॉटरी या उपहार नहीं है जो हर महीने 8 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये कहकर हाईकोर्ट द्वारा महिला की अपील खारिज कर दी गई है। वहीं योगी राज 2.0 में योगी ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने 100 दिन के अंदर प्रदेश में बदलाव का एजेंडा सेट किया था, जिसमें सबसे पहले नंबर पर था शिक्षा विभाग, जहां से पढ़ लिख कर बच्चे देश प्रदेश का गौरव बना सके। अब पर योगी सरकार के इस फैसले को बाद और योगी सरकार के दूसरी बार आने के बाद एक मामला फिरोजाबाद से सामने आया, जहां शिक्षा विभाग नॉन एक्टिव मोड के साथ साथ जुगाड़ और चापलूसी के खेल में मस्त है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। तो मतलब जी अगर मैं ये 10,000 पर ले आऊंगा तो फिर जाइए सब कुछ रह जाओगे, तेरा जीपीएफ का काम हो जाएगा उसमें, और फिर जो ऑडिट हो ऑडिट वाला, ऑडिट का कल मीटिंग है तब पता चलेगा क्या कह रहे हैं वो ऑडिट की। अच्छा भाई ऑर्डर देने पड़ेंगे फिर। हाँ वो अभी ऑडिट की कल मीटिंग होगी, उसमें बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें कल के कल तुम शांत करवा दिए जाके, ठीक है। सुना आपने किस तरह एक चाटुकार शिक्षक अपने जुगाड़ के चलते मेडिकल लीव CCL और मैटरनिटी लीव के साथ साथ दिल्ली मुंबई में रहकर नौकरी करने व समय से तनख्वाह पाने के रेट तय करता है और बताता है कि कब और कैसे शिक्षक को ज्वाइन करना है। तो वहीं एक मामला फिरोजाबाद के विकास खंड नारखी के नगला सिकंदर स्कूल से सामने आया, जहां किसी कारण से स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल नहीं जा पा रही थी, पर वहीं स्कूल में मौजूद एक चाटुकार टीचर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी का खास था, इस बात का फायदा उठाकर स्कूल की अलमारी झूले और बक्से बेच देता है और वहीं मेडिकल लीव के नाम पर प्रिंसिपल से पैसे ऐंठता है। अब मेरे साथ जो मेरे अध्यापक हैं विजय कुमार, वो परेशान करते हैं और किसी भी बहाने से पैसे दिलवाना और नोटिस वगैरह छपवाना, और जब मैंने मेडिकल लिया था तब भी मुझसे 5,000 रुपये लिए थे और 21 जनवरी दिसंबर से वो मुझसे पैसे ले रहे थे। कितने पैसे ले रहे थे? पहले दिसंबर में 15,000, फिर 12,000, फिर 10,000 नवंबर तक लिए। क्यों लिए थे पैसे? मैं इंटर थी तो ABSE साहब ने कहा तुम इस पद लायक नहीं हो, रिटायरमेंट ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट दूंगा। ये तो हुआ पहला मामला। अब आपको बताते हैं फिरोजाबाद के एक और ऐसे मामले के बारे में जो शिक्षा विभाग में चल रही धांधली को दिखाता है, पर उससे पहले सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग। कहता रहे तुम्हारे सामने ही कह रहे हैं 10,000 ही मांगे होंगे, वो तो वो बताना है तो वो जाते उतने तो हम तो ऐसे लेंगे ना देंगे। अरे तुम्हारी कैसे बात हो गई? अरे हमने ABSE से तो बात करी थी तो हमने आपकी बार नहीं दे पाएंगे, हमारी लड़की की शादी है अगले महीने दे जाएंगे। नहीं नहीं, नहीं। करो और क्या कहते हैं हमें इससे क्या मतलब, हम तुमको कैसे झेल लाएं। सुना आपने किस तरह टीचर घर बैठे सैलरी ले रहे हैं और छुट्टी के लिए किसी चाटुकार को पैसे देने की बात भी बोल रहे हैं। ये मामला है फिरोजाबाद के नारखी के प्राथमिक विद्यालय गड़ी हट्टी का, जहां एक महिला शिक्षक जो दिल्ली मुंबई में रहती है, वहीं जब से उसकी नियुक्ति हुई है तब से लेकर आज तक वो स्कूल नहीं आई।
और उसके बड़े साहब से जुगाड़ इतने बड़े हैं कि यही चाटुकार शिक्षक जुगाड़ लगाकर उसकी पूरी सैलरी उसके खाते में पहुंचाने की प्रक्रिया का अंजाम देता है। ऐसे और भी मामले फिरोजाबाद से सुनने में आए, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गॉड ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिले में दो दो अधिकारियों की टीम बनाकर बारीकी से जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। ये कंप्लेन हम लोगों को मिली थी और ये कंप्लेन हम लोगों को जब मिली उसके बाद हम लोगों ने जिला स्तर से DDO और सहायक लेखा अधिकारी के अंडर में कमेटी का गठन किया, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई करी जाएगी। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच करने की बात कही है और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जांच कराने की भी बात बोली है। विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि शिक्षकों को जो भी अवकाश दिए जाएंगे वो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे और इसके लिए मुख्यालय से जो है वो दिन भी निर्धारित है कि BO को कितने दिन में उस पर डिसीजन लेना है, BSA को कितने दिन में लेना है। मेरे पास जो भी अवकाश आते हैं प्रतिदिन में उनको जो है वो या तो अगर वो सही होते हैं तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है, अन्यथा रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन प्रत्येक अवकाश पे प्रतिदिन कार्रवाई होती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके द्वारा कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति अभी तक संज्ञान में नहीं आई थी, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और अगर इसमें कोई दोषी है तो उसको सजा मिले। बेसिक शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी अगर नगला सिकंदर में तैनात शिक्षक विजय कुमार से पूछताछ और पूरी जांच करते हैं तो मामले की परत दर परत खुल जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा शख्स है जो इन मामलों में संपलित है और वहीं सभी शिक्षकों का उल्टा सीधा काम कराने में अहम भूमिका भी निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। वहीं हमारे समाज में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, पर तब क्या हो जब भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों के जरिए परिवार या करीबी रिश्तेदार अपनी रंजिश के चलते मासूम बच्चे की हत्या कर दे। और आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए हमारे खास रिपोर्ट। आपसी रंजिश के चलते हरियाणा के करनाल का रहने वाला मासूम जज आज हमारे बीच नहीं है। करनाल में 4 साल के मासूम जज की मौत मामले में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जज की चाची को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों करनाल में एक मासूम का अपहरण कर उसका कत्ल कर दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने काफी खोजबीन कर जश की चाची को गिरफ्तार कर लिया है। अभी आपने देखा किस तरह माँ रो रो कर अपना हाल बयान कर रही है, लेकिन अब उसका मासूम जश कभी वापस नहीं आएगा। 5 अप्रैल मंगलवार की रात करनाल के गांव कलामपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 4 साल का मासूम अपने घर से गायब हो गया और तभी गांव वालों ने अनन फनन में पुलिस को जानकारी दी और जश को ढूंढने में लग गए, लेकिन 24 घंटे बाद तक भी जश का कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम तक लगा दिया। पुलिस ने शक के चलते एक बाबा को गिरफ्तार कर लिया जो गांव से एक झोले में कुछ ले जाते नजर आ रहे थे, लेकिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जश के घर के पास वाले घर की टीन शेड पर जश की डेड बॉडी मिली। भले पता नहीं क्या होया क्या नहीं, ये तो ऐसा भी काम हो रहा था। हम तो जब जीट रोड जाम करने के लिए आ रहे थे, हमने रोक रहे था, हमने स्टेमी सक हो रहे था, ये कह रहे नहीं नहीं वहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन्हें ये बात हो रही थी भैया इधर उधर हो वहाँ, और हम इन्हें अतिंगी रफा दफा करा, गुमराह किया जा रहा था। हाँ, गुमराह करा जा रहा था। ढोल के पीछे लड़ाई थी। हाँ, ढोल के सुबह 5 बजे हमारे को बोला गया तुम अरे अभी आधे घंटे पहले मेरे सामने, मैंने उससे वहाँ जाके बोलिया महाराजस कर दियो कोई काम, बोलिया ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा पक्का श्योर है, बोले फिर बनती ना काम करे उसकी वाइफ ना जी, हमने पूरा सक उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने यू काम कर, खुद मानने या बात हो मेरे मुंह की दुश्मनी उनकी, उनकी उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे हैं जी। पुलिस अभी यहाँ से किसको उठाकर लेकर गई है, ये राजेश को लेकर गई है जी। मामला फिर और पेचीदा होने लगा क्योंकि पास वाला घर किसी और का नहीं बल्कि जश के चाचा का था।
वहीं आपको बता दें कि जश के पिता पिछले 4 महीने से विदेश में नौकरी कर रहे हैं और 6 महीने पहले कुछ जमीनी विवाद के चलते जश की और उसके चाचा की कहा सुनी हो गई थी, जो उस समय गांव के पंचायत के जरिए सुलझा ली गई थी। पर किसे पता था कि राजेश का परिवार जश के पिता से रंजिश मना बैठा था और मौका पाते ही जश के जरिए परिवार से बदला लेगा। जश के चाचा अमन ने पहले ही राजेश के परिवार पर शक जाहिर किया था कि एक 4 वर्षीय बच्चा गायब है। उसके बाद में वहां के परिजनों ने किसी बाबा पे शक किया था। पुलिस ने बाबा से पूछताछ भी की थी, उसकी भूमिका में प्राइमा फेसिया नहीं मिली थी। उसके बाद में परिजनों के बयान पे इंद्री थाने में धारा 365 IPC के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया था और गांव के आसपास में सर्च अभियान शुरू किया था। अगले दिन सुबह बच्चे की जो डेड बॉडी है वो एक शेड के ऊपर मिली थी। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो डेथ है वो स्ट्रेंगुलेशन की वजह से हुई है। जितनी भी केस प्रॉपर्टीज थी जो या डॉक्टर ने जो भी पुलंदे हैंड ओवर किए थे वो हमने FSL लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेज दिए हैं। साथ ही जो व्यक्ति हमें संदिग्ध लग रहे हैं उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी से ही हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जा पाएंगे। लेकिन अब पुलिस ने जश की चाची राजेश के बेटे की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, पर देखना ये होगा कि क्या जश की चाची ही पूरे मामले की मास्टरमाइंड है या अभी इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।